या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमत्तस्यै 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 नमो नमः। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। माँ भगवती आदि शक्ति परम्बा के कृपा के फल स्वरूप आज हम आपको अहोई माता की व्रत कथा श्रवण कराने जा रहे हैं। भक्ति और श्रद्धा के साथ आप सभी लोग श्रवण करें। प्राचीन काल की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहा करता था। उसके 7 पुत्र थे। एक दिन साहूकार की पत्नी खदान में मिट्टी इत्यादि लेने के लिए गई और उसी खोह में स्याही के बच्चे रहा करते थे। उसने कुदाल को चलाया और उस कुदाल के चलाने से स्याही के जो बच्चे थे, स्याह के जो बच्चे थे, उनको कुदाल लगी, उनको जो फावड़ा था वो लगा, उनको जो खुरपी थी उसके साथ में वो लगी और इसके द्वारा उन बच्चों की मृत्यु हो गई। और जब बच्चों की मृत्यु हो गई तो साहूकार की पत्नी ने स्याहू को रक्त रंजित देखा और उसे बच्चों के मर जाने से अत्यधिक दुख भी हुआ, परंतु जो कुछ होना था वह तो हो चुका है, यह भूल उससे अनजाने में हो गई थी। अतः दुखी मन से वह लौट करके घर आई साहूकार की पत्नी, और पश्चाताप के कारण वह मिट्टी भी साथ में लेकर के नहीं आई थी, मिट्टी भी वह छोड़ दिया। इसके बाद जब स्याहू अपने घर आई तो उसने अपने उन मृत नवजात शिशुओं को देखा, मृतावस्था में प्राप्त किया, मृत्यु को प्राप्त हुए अपने बच्चों को देख करके वह स्याहू रुदन करने लगी, रोने लगी और अत्यंत विलाप करने लगी, परमात्मा से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, जिसने हमारे इन बच्चों को मृत्यु प्रदान किया है, त्रिलोकी के नाथ, उनको भी ऐसा ही कष्ट प्राप्त हो। इधर स्याहू के श्राप से 1 वर्ष के अंदर सेठानी के जो 7 पुत्र थे काल कालान्वित हो गए। इस प्रकार की दुखद घटना को देख करके सेठ और सेठानी अत्यंत शोकाकुल हो गए, रुदन करने लगे। उस दंपत्ति ने किसी तीर्थ पर जाकर के अपने प्राणों को विसर्जन करने के लिए गंगा इत्यादि नदी के पास गई और सोचने लगी कि मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी, क्योंकि जिस माता पिता के सामने उसके पुत्र पूरे हो जाएं, वह माता पिता का हृदय विदीर्ण होने लगता है, दुखी होने लगते हैं, अपने आप को क्षमा नहीं कर पाते। सो ऐसा मन में संकल्प लिया, मन में ऐसा निश्चय कर पैदल ही तीर्थ यात्रा की ओर दोनों दंपत्ति चले। उन दोनों का शरीर पूर्ण रूप से निर्जल, बिल्कुल दुबला पतला हो गया था। बारंबार आगे बढ़ते गए, जब ये चलने में बिल्कुल असमर्थ हो गए तो रास्ते में ही एक जगह वह मूर्छित होकर के भूमि पर गिर गए। उन दोनों की इस दयनीय दशा को देख करके करुणानिधि, भक्तों पर दया करने वाले भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, है सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय अनजाने में से ही अर्थात स्याही के बच्चों को मार डाला था, इसलिए तुम्हारे भी बच्चों को कष्ट सहना पड़ा। भगवान ने आज्ञा दी, अब तुम दोनों अपने घर जाओ और गाय की सेवा करो, अहोई अष्टमी आने पर विधि विधान से पूजन करो और अहोई माता की पूजा करो, सभी जीवों पर दया का भाव रखो, किसी से अहित न करो, किसी के साथ ईर्ष्या न करो, किसी के साथ द्वेर की भावना, द्वेष की भावना, ईर्ष्या की भावना को अपने मन में मत लाओ, माता की पूजा करो। ऐसे सुंदर आचरण करने मात्र से तुम्हें संतान सुख प्राप्त हो जाएगा। इस आकाशवाणी को सुनकर के सेठ और सेठानी अत्यंत ही प्रसन्न हो गए और कुछ धैर्य भी उनको हुआ। वो दोनों भगवान का स्मरण करते हुए अपने घर की ओर प्रस्थान किए हैं। घर पहुंचकर उन दोनों ने आकाशवाणी के अनुसार कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। इसके साथ ही द्वेष ईर्ष्या की भावना से रहित होकर के सभी प्राणियों पर करुणा का भाव रखना प्रारंभ कर दिया। भगवत कृपा से सेठ और सेठानी पुनः पुत्रवान होकर के
समस्त प्रकार के सुखों को भोग करके अंत में भगवान के परम प्रिय धाम को जाए, परम प्रिय धाम को गए। ऐसे अहोई माता की कृपा से जो संतान का सुख से वंचित हो गए थे सेठ और सेठानी, अहोई माता की कृपा से वह भी उनको प्राप्त हुआ। भगवती जिस तरह से इन दोनों पर कृपा करी है, उसी तरह से समस्त मानव मात्र के ऊपर, समस्त प्राणियों के ऊपर अहोई माता अपनी पूर्ण कृपा को बना करके रखें। पुनः मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय मां गंगा।